तो चलो बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि हम सूडो लगाते कैसे हैं। ये पार्टिकल मास m, देखना m मास का पार्टिकल है, रोटेट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस ए विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये जो येलो कलर का पार्टिकल है उसको मैं पार्टिकल मान लेता हूँ, इसका मास मान लेता हूँ m है, और ये अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रहा है, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस सर्कल में जा रहा है उस सर्कल का रेडियस में ए मान लेता हूँ, दिस इज द डिस्टेंस ए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। इट इज व्यू फ्रॉम ए रोटेटिंग फ्रेम जेड विच यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है ना, इट इज व्यू फ्रॉम ए फ्रेम रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस, मतलब इसी प्लेन में, इसी के जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये इधर अंदर बाहर, ये इधर जो है, इधर ये वाला जो है वो वाई एक्सिस है, और ये ऊपर जो है वो अपना जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रेम जो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस फ्रेम से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है, ठीक है, तो इसको कितना सूडो नजर आएगा और किधर नजर आएगा, उस चीज़ का हमें कैलकुलेशन करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलो हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए है, और ये अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रहा है, लेकिन एक ऐसा फ्रेम है, उसको मैं थोड़ा अलग बना दिया हूँ, ये ओमेगा नॉट से एक ऐसा फ्रेम है जो जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रहा है, और इसमें एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर अगर इस पार्टिकल को देखता है तो इस पे सूडो कितना लगाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको लगाने सबको आना चाहिए। तो कैसे लगाते हैं, देखो सबसे बड़ी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, वह बॉडी जिस पे लगाया जा रहा है, ठीक है ना, बॉडी का मास, और मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उससे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, ये वाली जो आर है वो ये, इससे मल्टीप्लाई करना है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर किसका, ऑफ ऑब्जर्वर फ्रेम, ऑब्जर्वर फ्रेम, ठीक ना, जो ऑब्जर्वर सूडो लगा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, वो अपने फ्रेम के एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, और मास ऑफ द बॉडी जिस पे लगा रहा, और जो बॉडी सर्कल में जा रही है, ये बॉडी सर्कल में जा रही है, तो इससे एक्सिस ऑफ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये है वो ए है, तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो आप आराम से अपना सूडो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर मैं कैलकुलेशन देखूँ, तो जो सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू आएगी, मास ऑफ द बॉडी एम है और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो मैं ए लिया हूँ, और एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ऑब्जर्वर फ्रेम, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर रखूँगा तो गलत हो जाएगा, ये फ्रेम का ये है ऑब्जर्वर, इसके फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट का स्क्वायर, तो इतनी मैग्नीट्यूड में सूडो ये लगाएगा, और किधर को लगाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर अवे, ये इधर लगाएगा, और उसकी वैल्यू होगी एम ए ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब कोई ऑब्जर्वर इसके फ्रेम में रहता, इसके फ्रेम में रहता, तो उसके अकॉर्डिंग जो सूडो है उसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सूडो जो बी है, इसके अकॉर्डिंग तो आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सूडो कितनी आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर ए, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दिया, तो आई होप कि आपने बहुत इसको एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे चैनल के साथ बने रहिए।